हाल ही में बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक युवक के साथ मारपीट करने का पुलिस कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक संगठन एवं सामाजिक संगठन मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग करना शुरू कर दी है। बुधवार को यादव महासभा संगठन के प्रदेश सचिव और खेमचंद यादव के नेतृत्व में यादव महासंगठन के कई दर्जनों सदस्य एवं पदाधिकारी रामलीला मैदान में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश सचिव अवधेश यादव ने बताया कि रोहनिया ग्राम में 20 मार्च को किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों को मुलायजे के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा लाया गया। इसी दौरान बड़वारा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों ने पीड़ित सपना यादव सुरेंद्र यादव के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। पूरा यादव समाज इस घटना की निंदा करता है और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग भी करता है। अगर 7 दिवस के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में यादव महासभा के द्वारा जगह जगह आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये कहीं कोई शब्द नहीं है। रोहनिया गांव आपके बड़वारा थाना के अंतर्गत, वहां पे कुछ आपसी विवाद हो गया था दो पक्षों में। इसमें जो घायल परिजन था उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में हो रहा था। उसी समय परिजन आए उससे देखने, उसको तो पुलिस से पूछा हुआ कि सर कैसा क्या हो गया, पुलिस ने नहीं मिलने दिया। फिर कुछ परिजनों ने बोला होगा कि क्यों नहीं दिया जाता। इसी तारतम्य में पुलिस वाले आक्रोशित होकर के और वीडियो सीसीटीवी कैमरे के अनुसार 20/3/2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में पीड़ित के परिजन सुरेंद्र यादव और सपना यादव मिथिलाबाई यादव को बुरी तरह से लाठी डंडों लात घूसों से पीटा गया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री महोदय से। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं हम बेटियों को महिलाओं के साथ में हम सम्मान दे रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की सरकार को कलंकित कर रही बड़वारा पुलिस। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित यहाँ वहाँ दर दर भटकने लगा। जब पीड़ित यादव समाज के बीच में आया, उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो आज हम माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 7 दिवस के अंदर एएसआई जयपाल सिंह, एएसआई रघुवीर सिंह, आरक्षक विजय चढ़ार आदि जो दोषी हैं उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाती तो पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय यादव महासभा जितने संगठन हैं सब आंदोलन को बाध्य होंगे।